गुड इवनिंग हिमाचल। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय सदाना डेंटल क्लिनिक एंड कंप्लीट डेंटल इम्प्लांट सेंटर पालमपुर। टिल कोविड 19 पेंडेमिक स्टे होम स्टे सेफ। भवाना थाना के अंतर्गत थुरल के पास साई गांव में पेट्रोल पंप के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा आज दोपहर लगभग 1 बजे हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषि उम्र 35 वर्ष पुत्र रवि कुमार निवासी मुंडी मजदूरी का कार्य करता था। ऋषि कुमार साई में ही गाड़ी से टाइल उतारने का कार्य कर रहा था। दोपहर को खाना खाने के लिए वह अपने घर मुंडी गया था। जैसे ही वह खाना खाने के बाद अपने मोटरसाइकिल पर वापस साई की तरफ आ रहा था कि साई पेट्रोल पंप के नजदीक खड़े टिप्पर से ही मोटरसाइकिल मार दी। इस हादसे में ऋषि की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी पालमपुर अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर अस्पताल भेज दिया गया है। जिला कुल्लू में ऑटो चालकों को जिला प्रशासन द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई है। प्रशासन ने ऑटो चालकों को ऑटो में एक सवारी ले जाने की अनुमति प्रदान की है, जिससे अब घाटी के ऑटो चालकों ने राहत की सांस ली है। ऑटो चालक लंबे समय से ऑटो चलाने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन कुछ नियमों का हवाला देकर प्रशासन द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही थी। आज जिला प्रशासन व ऑटो यूनियन के बीच एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में ऑटो चालकों को एक सवारी के साथ ऑटो चलाने की अनुमति दे दी गई। वहीं ऑटो चालकों से ये भी आग्रह किया गया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों का भी पालन करें। ऑटो में सवारी ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। वहीं एक से अधिक सवारी बिठाते हुए अगर कोई ऑटो चालक पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस लॉकडाउन के दौरान चलते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, जिससे कि हमारे सभी ऑटो चालकों की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो पब्लिक को भी इसकी जरूरत थी और प्रेस के माध्यम से भी इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया, क्योंकि पब्लिक के हित के लिए ऑटो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके थे। इसीलिए आज हमें डिप्टी कमिश्नर मैम ऋचा वर्मा जी ने जो परमिशन दी है, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। भुंतर कुल्लू मनाली हर जगह जो जिला कुल्लू में हमारे सभी ऑटो चलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें हम पूरा ख्याल रखेंगे। सैनिटाइजर और मास्क पूरा यूज़ करेंगे और जो भी रिलैक्सेशन पीरियड है हमारे इसी में हमारे सभी ऑटो चलेंगे और सवारियाँ हमें फिलहाल एक ही अलाउ की गई है। ऐसे 3+1 है हमारी गाड़ी पास ऑटो, जिसमें जी की 3 सवारियां और एक ड्राइवर बैठते हैं बैठा होता है। तो इस लॉकडाउन की परिस्थितियां अभी ठीक नहीं हुई है, इस कारण हमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो निर्देश रणपा ऑटो यूनियन माहौल की तरफ से आज उपायुक्त महोदया का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऑटो चालकों को ऑटो चलाने के लिए जो परमिशन दी है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि 2 महीने से बहुत हालत खराब हो चुकी थी और इस और हमें जो भी बताया जाएगा मास्क सैनिटाइज करने के लिए साथ रखने के लिए हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे और इस तरह से सभी ऑटो चालकों को फिर से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद। मंडी जिला के सरकाघाट के ग्राम पंचायत चौक देवराता रोपड़ी व बफर जोन में रखी गई 5 पंचायतें कोरोना फ्री हो गई हैं। इसके बाद आज जहां संयुक्त कार्यालय के अंदर बाहर काफी चहल पहल नजर आई, तो वहीं सरकाघाट बाजार में भी भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। यही नहीं, शहर की गलियों में लोगों की काफी चहल पहल देखी गई और सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ी। दुकानदारों का कहना है कि इतनी चहल पहल होने के बाद भी कम ही ग्राहक दुकानों में आ रहे हैं, जिससे आभास होता है कि लोग केवल घरों से घूमने फिरने ही निकले हुए हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज बाबा ने सरकार से मांग की है कि ट्रांसपोर्ट सुविधा चालू की जाए, तभी सभी ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों से शहर में आएंगे, तभी दुकानदार अपनी आजीविका कमा सकेंगे। करसोग से लगभग 14 किलोमीटर दूर केलोधार में आज दोपहर बाद करीब 2 बजे आगजनी से आरा मशीन, आटा चक्की, धान मशीन, पुरानी बाइक व कुछ मोटरें जलकर राख हो गयी। घटना की सूचना मिलते ही करसोग पुलिस के एएसआई बलवीर, तहसीलदार संजीत शर्मा व संबंधित क्षेत्र के पटवारी पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। पीड़ित परिवार से विजय चौधरी ने बताया कि इस घटना में लगभग 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। अचानक भड़की आग का कहर इस कदर था कि कई किलोमीटर दूर इस आगजनी को लोगों ने देखा। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए, परंतु पल भर में ही आरा मशीन सहित सब कुछ राख के ढेर में बदल गया।
लॉकडाउन 4 के बाद आखिरकार 53 दिनों के बाद मछुआरों के चेहरों पर रौनक लौट आई। लंबे समय के बाद लोगों को पौंग झील की स्वादिष्ट मछली खाने को मिलेगी। मछुआरों ने आज लगभग 2 क्विंटल 39 किलोग्राम मछली सोसाइटी में बेची। इसमें राहू, महाशीर तथा सिंघाड़ा प्रजातियों की मछलियां थी। मछुआरों ने आज सुबह नगरोटा सूर्या मत्स्य विक्रय केंद्र में मछलियां बेचकर कुछ राहत की सांस ली है। दूसरी ओर ठेकेदार को पंजाब में मछलियों को बेचने का परमिट अभी तक नहीं मिला है। ज्यादातर मछली की मांग पंजाब से ही होती है, हिमाचल में रेट भी कम मिलते हैं। इसलिए ठेकेदारों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि पंजाब का परमिट उन्हें दे दें, जिससे उनकी समस्या दूर हो सके। आज मत्स्य सहकारी सभा नगरोटा सूर्या की सोसाइटी में जो है वो मछली के लिए खुल चुकी है और हमें समस्या ये आ रही है कि ठेकेदार को बाहर ले राज्यों में जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, जिससे कि मछली वहाँ पर जा सके और हमारी जो पेमेंट है वो भी समय पर मिल सके। यही समस्या हमारे आज सामने आ रही है। पता नहीं है, हमें बाघ जो ना कनवाली क्रॉस नहीं होने देते हैं और हम जाते हैं पुलिस वाले मारपीट करते हैं हमारे साथ, तो इसका कोई भी सोर्सेज बेचने का नहीं है। हमने हिम्मत तो रखी, आज से माल उठाना शुरू किया है, लेकिन इसका पता नहीं है बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा।